तो कभी कभी ना लोग एक टाइम पे भूल जाते हैं उन चीजों को, अभी थोड़ा अलग हो गया है वो, तो सबके दिल में एक पेन होता है, सारी चीजें होता है, तो किसको एक्सप्रेस करें, इसको भी खिलाड़ी आदमी खिलाड़ी का जानता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चीजें और बेटर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने दिल दिमाग अपना जमीर सब खेल को दिया है, तो बहुत जरूरी है कि उस चीज को समझा जाए दिमाग से और उसको फील किया जाए जैसे दिल से, तो फिर लगता है कि तो क्या बोले उसने मुझे मैसेज किया, लेकिन ठीक है उसको जैसे लगता है, मेरा जब टाइम आएगा मुझे खेलना होगा मैं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा तो फैमिली है, लाइफ है, बहुत सारी चीजें, क्रिकेट के अलावा भी बहुत प्यार है यार, लेकिन जैसे तरीका है या वैसे है ना, हमारे देश में बहुत टैलेंटेड है, बट आई होप आई विश कि बीसीसीआई कुछ ऐसा प्लान करे आईसीसी के साथ या फ्रेंचाइजी के साथ, जो भी प्लेयर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और उनको अलाउ किया जाए बाहर के लिए खेलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं इंक्लूडिंग यूसुफ माईसेल्फ रॉबिन उथप्पा, बहुत सारे ऐसे क्वालिटी प्लेयर हैं जो बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, चाहे वो कोई भी लीग हो, हमें दो लीग अलाउ करो जहाँ पे हम जाएँ खेलें और हमें बीसीसीआई खुद बोले कि यहाँ पर आप खेलो, जब से आईपीएल बीसीसीआई में आप नहीं हो और किसी को कोई आईपीएल में भी नहीं लिया, आप इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहे हो, और डोमेस्टिक आजकल ऐसा है कि जो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे डोमेस्टिक में वैसा कंपटीशन